तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के कुछ भागों में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था यानी कल, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो प्रकाशित वाक्य 17:5 में जिस स्त्री के बारे में, जिस माँ के बारे में बताया गया है यानी घिनौनी वस्तुओं की माता, उसे माता क्यों कहा गया? क्योंकि उस माता ने यानी रोमन कैथोलिक चर्च ने बहुत से झूठे शिक्षा वाले चर्च को जन्म दिया, इसीलिए उसे घिनौनी वस्तुओं की माता कहा गया है बाइबल में। हमने ये बातें सीखी। मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम सीखेंगे द ग्रेट सिटी के बारे में, यानी एक बड़ा नगर कहा गया है ना बाइबल में, उसे हम एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर प्रकाशित वाक्य 17:18 वचन अगर हम देखेंगे तो इस स्त्री को यानी रोमन कैथोलिक चर्च को एक बड़ा नगर भी बोला गया है। बड़ा नगर मतलब द ग्रेट सिटी। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है, वह अभी यहाँ पर परमेश्वर यूहन्ना जो 12 चेलों में से एक था उसे दर्शन दिखा रहा है, ओके, उस स्त्री के विषय में यानी उस वेश्या के विषय में। जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के बड़ा नगर है। देखा, वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या है कि जब ये लिख रहा है यूहन्ना, और जब परमेश्वर यूहन्ना को ये दर्शन दे रहा है कि तू ये लिख बोल के, उस वक्त रोमन कैथोलिक चर्च ऑलमोस्ट पूरे संसार पे राज करता था, रोमन कैथोलिक चर्च। तो इसीलिए उसे बड़ा नगर क्यों बोला गया है आगे हम देखेंगे। उसी बड़े नगर यानी द ग्रेट सिटी के विषय में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली जानने वाली चीज़ ये है कि जो शब्द वैटिकन इस्तेमाल किया गया है, रोमन कैथोलिक बोलते हैं कि ये जो रोमन कैथोलिक चर्च की जो शुरुआत है ये आपका वैटिकन सिटी यानी वैटिकन नगर से ही शुरू हुआ है रोमन कैथोलिक चर्च का, ओके। तो यहाँ पर जो शब्द वैटिकन इस्तेमाल किया गया है, और ये जो वैटिकन है ये कहाँ से लिया गया है, ये शब्द ये लैटिन से लिया गया है। वैटिस का मतलब क्या होता है? वैटिस का मतलब होता है डिवाइनर, फॉर्च्यून टेलर, या फिर कह लीजिए भावी देखने वाले, भविष्य देखने वाले। और कैन का मतलब होता है सर्पेंट यानी सांप, यानी भविष्य देखने वाला सांप। तो ये दो चीज़ों को मिला के बनाया है वैटिकन शब्द, ओके। और अगर आप थोड़ा बहुत रोमन इतिहास देखेंगे, जांचेंगे, जो एंशियंट रोम था यानी पुराना जो रोम था पुराने समय का, वो क्रिश्चियन बनने से पहले यानी नामधारी क्रिश्चियन बनने से पहले वो लोग क्या करते थे रोम, वो लोग कई जानवरों का इस्तेमाल करते थे भविष्य देखने के लिए। कई बार वो पक्षियों का इस्तेमाल करते थे भविष्य देखने के लिए जब वो दूसरे देवी देवताओं को मानते थे। कई बार वो सांपों का इस्तेमाल करते थे भविष्य देखने के लिए। तो जो वैटिकन है, अगर आप ये इंटरनेट में सर्च करेंगे वैटिकन का मतलब, तो आपको बोलेगा वैटिकन मतलब एक पहाड़ का नाम है, एक पहाड़ का नाम है, एक हिल का नाम है, ऐसा बोलेगा। लेकिन आपको अलग अलग अगर आप ढूंढेंगे इन शब्द का मतलब, फिर भी आपको बहुत मुश्किल होगा। मैंने कई मतलब बताता नहीं है, इंटरनेट मतलब छिपाती है ये बात। आपको पूरा इतिहास अगर आप देखोगे रोमन का, अलग अलग तरीकों से अगर आप सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको साफ मिल जाएगा, मुझे खुद मिला है, ओके। तो वैटिकन अगर आप ढूंढोगे तो आपको इंटरनेट में दिखाई देगा वैटिकन तो एक पहाड़ का नाम है, एक पहाड़ का नाम है। लेकिन उस पहाड़ के पीछे भी एक स्टोरी है, वो आपको इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, रोमन इतिहास। तो मैंने रिसर्च किया, उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि एक पहाड़ था, उस पहाड़ में क्या होता था। उस पहाड़ में ये रोमन लोग जो दूसरे देवी देवताओं को माना करते थे, वो उस पहाड़ में क्या करते थे, ये सब भविष्य देखना ये सब किया करते थे जानवरों के साथ, ओके। यानी कोई पक्षी ले लिया या फिर सांप ले लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे ये, मिरर यानी आईने इस्तेमाल करते थे भविष्य देखने के लिए। लेकिन ज़्यादातर सांपों का इस्तेमाल होता था भविष्य देखने के लिए, तो वो करते थे। तो ऐसे करते करते उस पहाड़ का नाम पड़ गया डिवाइनर, यानी उस पहाड़ का नाम पड़ गया भविष्य देखने वाला पहाड़। तो ऐसे ऐसे करके ये जो दो शब्दों को इन्होंने मिला जुला के वैटिकन नाम दिया है। और जहाँ पर ये बोलते हैं कि वैटिकन में संत पत्रस का क्या है, बेसिलिका है, यानी उसी के ऊपर इन्होंने क्या बनाया है, अपना चर्च बनाया है, ये कहते हैं ना। लेकिन अगर आप उस जगह को वैटिकन सिटी यानी जो वैटिकन जो एक भविष्य देखने वाला सांप है जिसका मतलब, और उस नगर
यानी उस शहर को अगर आप देखोगे तो वो जो शहर है वो बनाया ही गया है उस पहाड़ के ऊपर। किस पहाड़ के ऊपर? जहाँ पर पुराने पेगन यानी पेगन देवी देवता, एंशंट पेगन देवी देवता को, देवी देवताओं को माना जाता था। मतलब जो रोमन लोग हैं वो भी पहले दूसरे देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन अभी भी वो वैसा ही करते हैं, लेकिन ऐसा बाहर से लगता है कि वो लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। लेकिन जो इन्होंने पत्रस, ये बोलते हैं कि पत्रस का इन्होंने वो बनाया है, बिल्ड किया है चर्च, वो बनाया ही एक पेगन देवी देवताओं को, यानी दूसरे देवी देवताओं जो ये मानते थे उस पहाड़ में, उस पहाड़ के ऊपर ही इन्होंने ये चर्च बनाया है। ओके, तो अभी ये जो जगह है इसे कहते हैं लैटिन में वेटिकनुस मोनोस, जिसका अर्थ होता है, मैं आपको यही बात बता रहा था, हिल ऑफ प्रोफेसी, भविष्य देखने वाला पहाड़, वेटिकन कुनुस मोनोस का मतलब। और ये दो चीज़ों को इन्होंने मिला जुला के बना दिया वेटिकन। किस रीति से इन्होंने जो पत्रस का चर्च बनाया है, वो चर्च बना ही है एक ऐसे पहाड़ पर जहाँ पर वो पहले क्या किया करते थे, उस पहाड़ में उनके जो पुराने देवी देवता थे, पुराने देवी देवता को मानते हुए उस पहाड़ में भविष्यवाणियाँ किया करते थे, उसी जगह के ऊपर उन्होंने ये चर्च बना दिया। अभी एक और चीज़, कॉइन, जो कॉइन है वेटिकन सिटी का पुराने समय का, वो कॉइन मैं अभी आपको दिखाऊँगा, कॉइन मतलब वो जो सिक्का है वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा, उस कॉइन में हमेशा हमें ये देखने को मिलता है, ऐसा लिखा हुआ होता है, सिटाडेल वेटिकनो। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है सिटी ऑफ प्रोफेसी, यानी रोमन कैथलिक यानी रोम खुद को क्या करता था उस समय में और आज भी, अपने आप को एक यानी भविष्य बताने वाला नगर, भविष्य बताने वाला नगर या शहर, सिटी ऐसा कहता था रोमन कैथलिक चर्च। तो जो रोमन कैथलिक चर्च है उसका एक टाइटल है, यानी उसका, उसको एक उपाधि, वो खुद को एक उपाधि देता है, क्या एक स्त्री का उपाधि देता है कि वो खुद को रोमन कैथलिक चर्च एक स्त्री भी कहता है, और इस स्त्री के विषय में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा, खुद को ही एक उपाधि दिया है, टाइटल दिया है सिटी करके, नगर जो वेटिकन जहाँ पर इन्होंने ये पत्रस का चर्च बनाया है ये बोलते हैं, इन्होंने इसका जो नाम दिया है वो असली में नाम इनका ये है, स्टेटो देले सिटाडेल वेटिकानो। इसका मतलब होता है विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, यानी संसार के जितने भी राज्य हैं और जो चर्च है, ये दोनों को मिला जुला के, राज्य और चर्च दोनों को मिला जुला के इन्होंने अपने आप को एक स्टेट का टाइटल दिया है, एक सिटी यानी एक नगर का टाइटल दिया है, समझ गए। तो यहाँ पर हम एक सिक्का देख सकते हैं, ये सिक्का है रोमन राज्य का 1963, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अब इसमें देखिए सिटा डेल वेटिकानो लिखा हुआ है, और अगर आप ये इस स्त्री को देखेंगे जो इस कॉइन के दूसरे साइड में बनी हुई है, ये स्त्री दर्शाता है रोमन कैथलिक चर्च को। ओके, और ये स्त्री कौन है? ये वही स्त्री है जो हमें बाइबल में मिलता है। इसी स्त्री के बारे में परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिखाया था और बाइबल लिखने को कहा था, प्रकाशित वाक्य 17:4। यह स्त्री बैंजनी और किरमी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल। इस विषय में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, और एक मदर बोला गया है। मदर क्यों बोला गया है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि किस तरीके से रोमन कैथलिक चर्च ने और भी दूसरे झूठी शिक्षा देने वाले चर्चों को जन्म दिया था, तो इसलिए इसे माता कहा जाता है। ओके, झूठी शिक्षा देने वाले चर्चों को जन्म दिया, इसलिए इसे माता भी कहा जाता है इस स्त्री को। और मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से जो रोमन कैथलिक चर्च है वो अपने आप को खुद भी एक माता मानता है, यानी इस संसार में जितने भी चर्च हैं उन सब की माता ये मानता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रोमन कैथलिक चर्च को दर्शाती है ये स्त्री, ये कॉइन है 1963 का, और इसने हाथ में क्रॉस भी पकड़ रखा है, जो कि साफ साफ बताता है कि जो रोमन कैथलिक चर्च है वो पूरी रीति से क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए फीडास, फीडास का अर्थ होता है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, फेथ यानी विश्वास, यानी जो रोमन कैथलिक चर्च है इस पृथ्वी में जितना भी विश्वास है
रोमन कैथोलिक चर्च यानी प्रभु यीशु में जितने लोग भी विश्वास करते हैं, तो रोमन कैथोलिक चर्च ये मानता है उन सब की क्या है, माता है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो सच हैं, जैसे रोमन कैथोलिक चर्च जो कि एक माता है, इसने बहुत से झूठे शिक्षा देने वाले चर्च को जन्म दिया है, ये सच है। लेकिन एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि एक ऐसा चर्च भी है जो यीशु मसीह के समय से यीशु मसीह के द्वारा शुरू किया गया और यीशु मसीह के चेलों ने उसे कंटिन्यू रखा और वो चलता ही आ रहा है आज तक, ओके। और नॉट ओनली चर्च, चर्च का मतलब क्या होता है, चर्च का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि एक बिल्डिंग, चर्च का मतलब कुछ ऐसे लोगों का समूह, चर्च का मतलब कुछ ऐसे लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं अभी भी जो रोमन कैथोलिक चर्च ने कभी शुरू नहीं किया, वो यीशु मसीह के समय से चलते आ रहे हैं। वो लोग कौन है? वो लोग केवल बाइबल को मानने वाले लोग हैं, किसी चर्च को, किसी कोई सिस्टम को नहीं। ये एक शिक्षा है, ये डॉक्ट्रिन है, किसी दिन आपको मैं बताऊंगा इस विषय में। खैर, तो अभी देखिए, इसके पैरों तले विश्वास लिखा हुआ है, फिदास का मतलब होता है विश्वास, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और सीता डेल लैटिकानो ये लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है वो अभी मैंने आपको बताया, फिर से बताऊंगा। तो देखिए, हाथ में यहाँ पर इसके सूर्य उदय होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी रोमन कैथोलिक चर्च जो कि एक माता है, रोमन कैथोलिक चर्च खुद को एक माता मानता है, मदर ऑफ ऑल चर्चेस मानता है, ओके। और विश्वास इसके ऊपर है, यानी एक और चीज़ इससे ये बात होती है कि पृथ्वी के जितने भी राजा हैं उन सब की क्या है, ये उसके ऊपर राज कर रहा है रोमन कैथोलिक चर्च। और एक समय ऐसा था, अगर आप चर्च हिस्ट्री देखेंगे, अगर आपने वो वीडियो देखा, मैंने पिछले वीडियो में रेकमेंड किया था आप लोगों को देखने के लिए, सारे चर्चों का इतिहास मैंने वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए, रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक समय ऐसा था जब रोमन कैथोलिक चर्च पूरी दुनिया में राज करता था, कैथोलिक चर्च दुनिया सरकार चलाती थी, ओके, सरकारें चलाती थी, शहर चलाते थे, दुनिया चलाती थी, एक समय ऐसा भी था कैथोलिक चर्च, ओके। रोमन कैथोलिक चर्च खुद भी अपने आप को कहता है कि वो एक शहर है, यानी बड़ा नगर है, सिटी। ये जो स्त्री है ये एक सिंबॉलिक रूप में, एक चिन्ह के रूप में रोमन कैथोलिक चर्च ने इस्तेमाल किया था उस स्त्री को, जिसका मतलब होता है रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो अपना पावर यानी अपना जो शक्ति है वो क्लेम करता है सारे पृथ्वी के गवर्नमेंट्स में। और एक समय ऐसा भी था, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे आप जान पाएंगे, तो रोमन कैथोलिक चर्च क्या है कि सारे पृथ्वी में राज करता था, सरकारें चलाता था, यहाँ तक कि बैंक की शुरुआत, बैंक सिस्टम जो है ना, पैसा जमा करो, ये सब सिस्टम भी रोमन कैथोलिक चर्च ने स्टार्ट किया था। तो इन्होंने किया बोल के कोई अच्छी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं कि हाँ किया तो ये लोग अच्छे हैं, नहीं। तो कुछ ऐसे काम हैं जो शैतान अच्छा भी करता है बुरा भी करता है लोगों को फंसाने के लिए। खैर देखिए, प्रकाशित वाक्य 17:18 वचन, और वह स्त्री यानी रोमन कैथोलिक चर्च, हमने देखा सबूत जिसे तूने देखा है, यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं यूहन्ना को। अभी तक रोमन कैथोलिक चर्च आया नहीं है यहाँ पर यूहन्ना के समय में, लेकिन प्रभु ने उसको पहले ही दिखा दिया कि एक ऐसी स्त्री यानी एक ऐसा चर्च आने वाला है कि वो क्या करेगा, वह बड़ा नगर है, वो एक बड़ा नगर है, नगर। मैंने अभी कहा कि रोमन कैथोलिक चर्च का पूरा जो उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया है, वो खुद को ही एक क्या मानते हैं, सिटी यानी एक नगर मानते हैं। वह एक बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है, और यही चीज़ रोमन कैथोलिक चर्च खुद भी मानता है कि वो एक स्त्री है। और ये चर्च यहाँ पर देख सकते हैं, क्रॉस पकड़ रखी है, सूर्य उदय हो रहा है, और यहाँ पर जो विश्वास है और राजाएं हैं पृथ्वी के, ये इसके पैरों तले हैं, फिदास यानी विश्वास भी इसके पैरों तले हैं, जितने भी चर्च हैं, जितने भी राजा हैं। और एक समय ऐसा भी था जब रोमन कैथोलिक चर्च क्या था, सारे राजाओं पर राज करता था। आज भी अगर हम इटली में देखें, वेटिकन में, बहुत हद तक पोप का हाथ भी बहुत होता है पॉलिटिक्स में। द ज्यूसिट ओथ सेज दिस, अभी ये एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट है इनका, और ये जो ओथ है ये करते हैं यानी कसम करते हैं, कसम खाते हैं कभी कभी ये लोग। ये ओथ कुछ ऐसा है जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, पोप लोग भी इस्तेमाल करते थे उस समय में। बाई द वर्च्यू ऑफ द कीज बाइंडिंग एंड लूजिंग गिवन टू हिज होलीनेस बाई माई सेवियर जीसस क्राइस्ट, ही हैज़ पावर टू डिपोज हेरिटिकल किंग्स, प्रिंसेस, स्टेट्स, कॉमनवेल्थ्स एंड गवर्नमेंट्स, ऑल बींग इलीगल विदाउट हिज सीक्रेट कन्फर्मेशन।
तो ये एक ऐसा ओथ है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है इनका, जो ये लोग इस्तेमाल करते थे उस समय में। इसके कहने का मतलब है कि रोमन कैथलिक चर्च के अंदर अगर कोई भी राज्य, कोई भी राजकुमार, कोई भी राजा रोमन कैथलिक चर्च के अंडर नहीं है तो क्या होगा कि वो इल्लीगल माना जाएगा। और इतिहास में अगर आप क्रिश्चियन हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है बाइबल बैचलर्स में, उसमें मैंने भी पढ़ा है कि डार्क एजेस बोलते हैं, और उस डार्क एजेस के दौरान में क्या हुआ था कि एक समय ऐसा था जब रोमन कैथलिक चर्च ने पूरी दुनिया में राज किया था, सरकारों पर भी राज किया था। और उस समय में क्या हुआ था कि कोई भी चीज़ अगर रोमन कैथलिक चर्च के अंडर नहीं होगी तो उसे गैर कानूनी घोषित किया जाएगा, और किया गया भी था। इसलिए हम देखते हैं पुराने समय का जो रोम था वो क्या करता था कि ऐसे एक स्टेडियम बना के इसके अंदर लड़ाके, ग्लैडिएटर्स बोलते जिन्हें, उन्हें लड़ाया करते थे जब तक कोई मर नहीं जाता तब तक। और फिर लोग क्या करते थे, टिकट काट काट के आते थे देखने उन ग्लैडिएटर्स को मरते हुए। तो बाद में क्या हुआ, बाद में आगे जाके जो रोमन कैथलिक चर्च के अंडर नहीं हुए जो विश्वासी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम रोमन कैथलिक चर्च के अंदर नहीं आएंगे। क्योंकि ये जो उस समय के जो विश्वासी थे वो जानते थे कि रोमन कैथलिक चर्च जो है वो पेगनिज्म है, वो एक्चुअल में बाहर से खाली लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, मानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अंदर से नहीं मानते, अंदर ही अंदर ये दूसरी देवी देवताओं का ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं, प्रथाएँ फॉलो करते हैं। तो ये बोल के जो सही विश्वासी थे उस वक्त नहीं आए, और इन रोमन कैथलिक चर्चों ने जो कि पूरे शहरों पर, पूरे दुनिया पर राज करता था, पूरे नगरों में राज करता था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे विश्वासियों को जिंदा जला के मारा, बहुतों को क्रूस पे चढ़ा के मारा, बहुतों को शेरों के आगे डाल के मार दिया। क्रिश्चियन हिस्ट्री में इसे कहते हैं डार्क एजेस। अगर आपको ये बात, मेरी बातें आपको झूठ लग रही है तो आप खुद रिसर्च कीजिए क्रिश्चियन हिस्ट्री, आपको पता चल जाएगा डार्क एजेस ऑफ क्रिश्चियन हिस्ट्री। तो ऐसे ही ये इनका जो एक डॉक्यूमेंट है जिसे कहते हैं ज्यूजुत ओथ, और ये जो ओथ है या फिर कसम है, ये बात साफ साफ जाहिर करती है कि एक समय ऐसा था कि ये जो रोमन कैथलिक चर्च है पूरा राज करता था। ये एक डॉक्यूमेंट है इनका, ज्यूजुत ओथ। इंटरनेट में आपको ये सारी चीज़ें आसानी से नहीं मिलेंगी, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ढूंढोगे भी फिर भी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बहुत डीप स्टडी करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से जाके आपको ये सारी चीज़ें ढूंढ के लेके आनी पड़ेगी, तभी जाके आपको मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगी ये सारी चीज़ें। खैर, दी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वूमेन 17, तो जो स्त्री प्रकाशित वाक्य 17 में बताई गई है, वो स्त्री उन सारी चीज़ों को, यानी जो रोमन कैथलिक चर्च है उन सारी चीज़ों को पूरा करता है जो चीज़ें प्रकाशित वाक्य 17:1 से बताई गई है। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। अभी रोमन कैथलिक चर्च में बहुत बड़ा दंड आने वाला है, जो बहुत से पानियों पर बैठी है। तो रोमन कैथलिक चर्च क्या है कि यहाँ पर उस वेश्या के बारे में बताया जा रहा है, और उसको एक दंड मिलने वाला है, अभी फिलहाल मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है, जो बहुत से पानियों पर बैठी है। पानियों पे हम कैसे जान सकते हैं कि पानी का मतलब नेशंस, यानी इस दुनिया के देश हो सकते हैं, बहुत सारे देश हो सकते हैं, कि रोमन कैथलिक चर्च बहुत सारे देशों पे राज करता था। एक पॉइंट यह है कि पानी कैसे देश है ये बता रहा है। मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि पानी जो है वो देशों के बारे में बता रहा है, कि रोमन कैथलिक चर्च की जो रोम है वो पानियों पर बैठा है, यानी बहुत से देशों पर राज करता है। पहली एक चीज़ तो इतिहास देख लो, दूसरी प्रकाशित वाक्य 17:15 15th verse, फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी, देखिए अब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि जो पानी है वो बहुत से देश हैं, जो पानी तूने देखा जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियाँ और भाषा हैं। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि जिस पानी पर वो वेश्या, यानी वो स्त्री बैठी है, वो पानी क्या है, देश है, बहुत सारे नेशंस है। जिस पानी पर वो स्त्री बैठी है वो पानी है, देश। और एक समय ऐसा था जब रोमन कैथलिक चर्च पूरी दुनिया में कंट्रोल करता था, और आज भी
दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर रोमन कैथोलिक चर्च ना हो। आपको दिखेगा 99.9% रोमन कैथोलिक आपको स्कूल मिल जाएगा या फिर रोमन कैथोलिक आपको क्या मिल जाएगा, हॉस्पिटल्स मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोमन कैथोलिक स्कूल नहीं पढ़ सकते, वो केवल स्कूल है भाई, आप पढ़ सकते हैं। आप रोमन कैथोलिक हॉस्पिटल नहीं जा सकते, मैं ये नहीं बोल रहा, आप जा सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ये रोमन कैथोलिक चर्च जो है ये यूनिवर्सल चर्च भी बोलते हैं ये लोग, खैर वो हम आगे देखेंगे। ये लोग ये अपने आप को बोलते हैं, यहाँ पर ये देखिए यूनिवर्सल भी बोलते हैं अपने आप को। यूनिवर्सल मतलब इसका अर्थ ये होता है कि रोमन कैथोलिक ये क्लेम करता है कि इनका जो चर्च है वो पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया में फैला हुआ है, और ये है भी, ये है, ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कहने का ये मतलब है प्रकाशित वाक्य 17:15 ये वचन साफ साफ बताता है कि वो जो स्त्री है आज भी रोम यानी रोमन कैथोलिक चर्च आज भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और रोमन कैथोलिक चर्च क्या है, एक नगर है, नगर, एक ऐसा बड़ा नगर जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने द ग्रेट सिटी देखा रोमन कैथोलिक चर्च, कि रोम कैसे यानी रोम मीन्स रोमन कैथोलिक चर्च कैसे एक ग्रेट सिटी है, एक विशाल एक बड़ा नगर है जो प्रकाशित वाक्य 17 में हमें दिखता है। हमने वेटिकन शब्द का मतलब देखा कि वेटिकन शब्द किस तरीके से अलग अलग शब्दों से मिलके बना है, और वो अलग अलग शब्द है वेटिस, और जिसका अर्थ होता है डिवाइनर यानी भविष्य देखने वाला, और कैन का मतलब होता है सर्पेंट यानी भविष्य देखने वाला सांप। और इससे हमें साफ साफ पता चलता है सांप वो चिन्ह है पाप का, वो चिन्ह है शैतान का। हमने ये सब जाना और हमने ये जाना कि जो सिक्का है उस सिक्के में सिटाडेल वेटिकानो लिखा है। मैंने आपको वो सिक्का भी दिखाया, अगर फिर से देखना चाहते हैं तो वो सिक्का ये है, इसमें लिखा हुआ है सिटाडेल वेटिकानो 1963 इसके नीचे। और ये जो स्त्री है ये रोमन कैथोलिक चर्च को दर्शाता है, क्रॉस भी उठा रखा है और दिखाता है कि सूर्य उदय हो रहा है, किस पे सूर्य उदय हो रहा है, ये जो है ये सारा संसार है और सारे संसार का विश्वास है कि रोमन कैथोलिक चर्च सारे संसार के ऊपर है स्त्री। ओके, तो ये स्त्री कौन है, रोमन कैथोलिक चर्च, कौन सी स्त्री, प्रकाशित वाक्य 17 की स्त्री जिसके माथे पे लिखा हुआ है भेद बड़ा बाबुल पृथ्वी की समस्त घृणित वस्तुओं की माता। तो रोमन कैथोलिक चर्च जो अपने आप को खुद कहता है कि ये एक सिटाडेल वेटिकानो सिटी है यानी ये एक बड़ा नगर है, ये एक स्त्री है। उसके बाद में हमने उस कॉइन पे जो लिखा था फिडेस उसका मतलब देखा कि उसका मतलब होता है फेथ, और उस स्त्री के साथ समस्त राजाओं ने क्या क्या व्यभिचार किया। तो प्रकाशित वाक्य 17:18 और वो स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है, रोमन कैथोलिक चर्च अपने आप को कहता है नगर है, और पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है, वो राज्य करता था उस समय में भी, चेलों के समय में भी रोमन कैथोलिक चर्च ने पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट राज किया था। तो वो स्त्री जो है व्यभिचारी स्त्री है और समस्त घृणित वस्तुओं की माता यानी उसने बहुत से झूठे शिक्षाओं को जन्म दिया। तो मेरे प्रियो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो अगले वीडियो में क्लैलिस, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्लैलिस या क्लैलाइस जो कि क्या है, इसका मतलब होता है पात्र या फिर कटोरा या फिर कप, इस विषय में हम डिटेल में देखेंगे। एक उस स्त्री ने एक कप उठा रखा है ना हाथ में, किसने, प्रकाशित वाक्य 17 की स्त्री ने एक कप उठा रखा है हाथ में, तो उसके विषय में हम गहराई से जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, तब तक के लिए जय मसीह की।